भी इनको कश्मीरी का वेलविशर समझते थे या सिंपथाइजर समझते थे। अब जम्मू कश्मीर में भारत और तिरंगे के विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। कोई इसका विरोध करेगा तो संविधान की पूरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर लेकर आप क्या कहेंगे? असल में जिसको जानकारी में उसको तो बताया जा सकता है, अगर कोई जानकार ही सवाल करे तो उसको कितना बताया जाएगा। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। दो बात मुझे कहनी है। एक तो देश का इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था की अपनी एक मर्यादा है, उसके फैसले पर राय देना किसी के लिए उचित नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो उचित नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं हट करके एक बात करूंगा। कुछ दिन मैंने एसोसिएट मेंबर के नाते 2009 में इलेक्शन कमीशन के साथ काम किया था। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि प्रोसेस बड़ा ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिक है। दूसरी बात कि अभी तो एसोसिएट मेंबर्स को उन्होंने ड्राफ्ट दिया है, एसोसिएट मेंबर्स चाहे तो जो ड्राफ्ट आया है उस पर अपनी राय दे सकते हैं कि इसमें यह गड़बड़ी है। फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा, पब्लिक डोमेन में जब आएगा तो उसके आधार बने हुए, उन आधारों पर सामान्य आदमी भी अगर लगता है कि गलत हुआ है तो आपत्ति दर्ज करा सकता है। मैं आश्वस्त हूं, मेरी पूरी आस्था है चुनाव आयोग में, भारत के संविधान में, कि गलती नहीं होगी। चुनाव की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि गृहमंत्री जी आए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अभी फिर पार्लियामेंट में उन्होंने दोहराया, परसीमन का काम खत्म हो जाए उसके बाद चुनाव होगा, चुनाव के बाद सरकार बनेगी और फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। मैंने इसलिए साफ बोल दिया कि अगला प्रश्न कोई इस पर न करे। अगर ऑनेस्टली आप देश के दूसरे राज्यों में जाएंगे, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जिस तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं उत्तर प्रदेश बिहार में मैंने नहीं देखा है। एक आध राज्य होंगे, जो मैं ये भी नहीं कहता कि देश में सबसे अच्छा, लेकिन काफी अच्छा है। हर जिले में स्टेडियम, हर जिले में इंडोर स्टेडियम, इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम, तहसील केंद्रों पर भी कई जगह स्टेडियम बने हैं। हमने हर पंचायत में प्ले फील्ड बने, ये बात कई बार डीसी की बैठक में कही और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 4290 में से 4000 पंचायतों में हमारे पास प्ले फील्ड उपलब्ध हो गई। अभी